डॉक्टर खोकर बच्चों को लेकर तो जाना है क्योंकि उनकी आंख बड़ों से अलग होती है, तो क्या किसी को भी, चाहे वो 40 की उम्र के बाद की बात हो या जब भी उसे धुंधला दिखाई देता हो या साफ ना दिखाई देता हो, तो उसे एक नेत्र विशेषज्ञ के पास ही क्यों जाना चाहिए, किसी ऑप्टिशन जो चश्मे की दुकान होते हैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए बच्चों के अलावा? जी देखिए, वेस्ट में ये सिस्टम है कि सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आँख के दूसरे रोग देखने के लिए उन लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो चश्मा नंबर ठीक नहीं देंगे, चश्मा नंबर बहुत अच्छा दे सकते हैं, पर वो चश्मा क्यों लगाया उसको, उसका कारण काला मोतिया हो सकता है, उसको रेटना में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको केराटोकोनस हो सकता है, हो सकता है ये सब जाँच करने की मशीनें उनके पास वहाँ उपलब्ध ना हो। तो इसलिए जाहिर बात है कि एक बार आपको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अगर कुछ इस तरह कोई बीमारी तो नहीं जी है। जिसके कारण चश्मा लग रहा है, ताकि उसका हम निवारण वहीं से करें, लेट्स निप इन द बड ओनली, रादर देन चश्मा देते रहेंगे तो वो उपचार नहीं है उसका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर अमित खोसला, बात आ गई, अब नंबर मिल गया, नंबर नजदीक का है, दूर का है, या दोनों मिले जुले हैं, तो अब विकल्प बहुत होते हैं कि चश्मा लगाएगा कोई व्यक्ति, और चश्मा लगाएगा तो एक ही तरह का चश्मा है, या वो बाईफोकल या मल्टीफोकल है, या कॉन्टेक्ट लेंस है, ये जरा हमें थोड़ा सा समझाइए। बात स्टैंडर्ड चश्मा है, 40 तक तो आपका या माइनस या प्लस का एक सिंगल लेंस लगेगा, 40 के बाद आपको नज़दीक के लिए अलग नंबर चाहिए, तो उसके लिए बाईफोकल जिसमें एक लाइन होती है ऊपर का हिस्सा दूर के लिए और नज़दीक का हिस्सा नीचे वाले हिस्से में, या जो कंप्यूटर यूजर्स हैं उनको तीन चश्मे चाहिए, मैं दूर का, कंप्यूटर, नज़दीक का, तो वो प्रोग्रेसिव ग्लास जिसमें चेंजिंग नंबर हो, ऊपर से चश्मा नंबर चेंज होता था नीचे तक, तो आपको मल्टीपल पावर्स चाहिए, तो प्रोग्रेसिव ग्लास कहते हैं। जिन्हें चश्मा ना पहनना हो वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक प्लास्टिक का मटेरियल जो आंख के कॉर्निया पे लगाया जाता है, हर दिन सुबह लगा के शाम को उतार दिया जाता है, उसमें पावर होता है, वो चश्मे की तरह काम करता है। जिनका बहुत हाई नंबर होता है -7, -8 के ऊपर, तो उनको रूटीन चश्मे से हर चीज़ थोड़ी सी छोटी दिखती है, तो उनको कॉन्टैक्ट लेंस से थोड़ा सा बेहतर दिखता है। अदरवाइज 6 नंबर से कम में चश्मा हो या कॉन्टैक्ट लेंस हो, क्लैरिटी उतनी ही रहेगी जी। और जब आपका नंबर स्टेबल हो जाए तो आपके पास विकल्प है कि ऑपरेशन करा के आप चश्मा नंबर कॉर्निया की शेप बदल के हम या लेंस अंदर डाल के उसको हटा देते हैं, वो कॉस्मेटिक ऑप्शन है। वो नंबर आपका साल दो साल स्टेबल हो, 18 साल से फीमेल्स में, 21 में मेल्स में, जब नंबर स्टेबल होता है तो आपका विकल्प है कि वो नंबर हटवाया जा सकता है। पर 40 के बाद फिर आपका नज़दीक का नंबर आएगा, और ये सोच के कि मैंने ऑपरेशन करा लिया अब नंबर नहीं बढ़ेगा, नहीं, अगर आपका शरीर का साइज बढ़ रहा है तो आपका नंबर बदलेगा। 90% लोगों का नंबर 20 साल के बाद नहीं बढ़ता, पर 10% ऐसे हैं जिनका 20 साल के बाद भी बढ़ता है। वो पूछते हैं कि हमने कॉलेज के बाद हमारा नंबर लग गया, तो आपकी बॉडी की शेप बदल रही है, तो 20 से 40 के बीच में भी 10% का लोगों का नंबर आ सकता है जी। इसके साथ ही डॉक्टर ऋतु, लेजर का बहुत जिक्र आता है कि लेजर करवा लीजिए तो आपकी जो विजन है वो ठीक हो जाएगी, अब नंबर जो है ठीक हो जाएगा, क्या होती है और इसके अलावा और कौन से तरीके हैं जिनसे आप ट्रीट कर सकते हैं समस्या? देखिए, लेजर सिर्फ ये है कि लेजर सिर्फ चश्मा उतारता है, आपका जो नंबर है वो उसने कंप्यूटर जो कॉर्निया को रीमॉड्यूलेट कर देता है, कॉर्निया की शेप चेंज कर देता है, तो ये बेसिकली जस्ट अ कॉस्मेटिक थिंग। और अगर आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है तो वो प्रॉब्लम तो एक्चुअली आपके पर्दे में जो होनी होती है रिलेटेड टू दैट, वो तो रहती रहती है। और अगर किसी के जैसे अगर आंख का साइज बाद में चेंज हो रहा है, आज आपने लेजर का ऑपरेशन कर दिया तो नंबर अगर बाद में आना है तो वो आ भी सकता है। इट इज़ मेयरली अ कॉस्मेटिक थिंग, और स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है जी। दूसरी चीज़ें जैसे कि अगर चश्मा उतारना है वो कॉन्टैक्ट लेंस है, और तीसरी चीज अब चल पड़ी है जिसको हम ICL कहते हैं, इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस कह दीजिएगा जिस, या कॉलमर लेंस कहते हैं उसको, जो कि कॉन्टैक्ट लेंस एक ऐसा इतना बढ़िया मटेरियल आया है जो कि पेशेंट जिनमें हम लेसिक नहीं कर सकते हैं, लेजर से अगर हम चश्मा नहीं उतार सकते हैं तो उसमें हम ये कॉन्टैक्ट लेंस आंख के अंदर डाल देते हैं जी। और वो पिछले 5 साल से आया है, इट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स, और वो हाई नंबर वाले पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा सिद्ध हुआ जी। इस विषय पर कुछ और भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मुबीन खान जी हैं दिल्ली से। मुबीन खान जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार जी। है कि मेरे को ना आई साइड मेरी काफी वीक हो रही है, मेरी 55 उम्र है, प्लस 55 है जी, तो जो लेफ्ट साइड का मेरा बहुत ज्यादा जो है मेरी जो आंखों की जो कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है इसके साथ में या कुछ जी? डॉक्टर सुदर्शन, इन्होंने उम्र 55 साल बताई जी, 65। सो जाहिर बात है, हम इस उम्र में हम देखते हैं कि ज़्यादातर सफ़ेद मोती आँख में उतर आता है, किंतु उसका इलाज ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन से वो ठीक हो जाएगा। इस वक्त इस उम्र में रिफ्रैक्टिव सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इस वक्त जो कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं वो एक तरह की रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुई इनकी आँख के लिए, जो आँख की रिफ्रैक्शन बदल देगी तो उनका धुंधलापन ठीक हो जाएगा।
किंतु आप डिले मत करिए, हो सकता है इसमें आपको कि काला मोतिया ना हो कहीं साथ में, और उसका आँख की प्रेशर चेक कराइए और आँख के पर्दे की जाँच करा के और फिर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से मिलकर सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराएं जी। और एक हमारे दर्शक हैं लखनऊ से, राकेश श्रीवास्तव। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछें सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा छोटा भाई है सर, उसका लड़का 9 साल का है जी। उसकी दोनों आंख की पुतली वो नाक की तरफ रहती हैं सर जी। तो क्या जानना चाहते हैं सर, कई जगह दिखाया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, तो जानना चाहते हैं सर क्या ये स्क्विंट है यानी होगा, और मतलब एज क्या होगी ऑपरेशन कराने की, कहाँ कराएं और कहाँ अच्छा रहेगा सर, क्या ठीक हो सकता जी? है ठीक है, अभी उस बच्ची की उम्र 9 साल है जी सर जी। एक इस सवाल का जवाब दे दें डॉक्टर ऋतु, फिर इसी तरह का एक और सवाल है लेकिन समस्या जरा अलग है, उस पर भी बात करें। जैसे ये बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि टेढ़ापन या स्क्विंट की प्रॉब्लम है जी। इसके लिए सबसे पहली चीज है कि जितना जल्दी हो सके आंख के डॉक्टर को दिखा के पहले चश्मे की जांच करी जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी तरह के स्क्विंट होते हैं जिसमें अगर प्लस का नंबर होता है तो वो प्लस का नंबर लगाने से ही स्क्विंट ठीक हो जाता है, चश्मे से ठीक हो जाएगा। कुछ होते हैं वो हमको देखना पड़ता है कि ये वाला स्क्विंट कौन सा तरह का है, और पर फिर भी ये मैंडेटरी है कि सबसे पहले चश्मे की जांच हो, और बच्चा है तो इसमें और कुछ शॉर्टकट नहीं है, एट्रोपिन डाल के जरूर करना ही करना है। एट्रोपिन डाल के कई लोग सोचते हैं एट्रोपिन डाला धुंधला हो जाएगा उसके बाद, पर वो हमें स्टेप को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और वो करके जो चश्मे की जाँच आती है, अगर आती है तो चश्मा लगा के फिर स्क्विंट का असेस होना होता है। अगर स्क्विंट करेक्ट हो रहा है चश्मे से तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते, अगर नहीं करेक्ट हो रहा तो फिर सर्जरी की जरूरत है। ये हमारे पास एक ईमेल और आया है चंडीगढ़ से, मनीषा है, वो लिखती हैं कि उनके बेटे को 3 वर्ष की उम्र में स्क्विंट हो गया था, आंख में भेंगापन हो गया था, और उस वक्त सर्जरी नहीं कराई, अब वो 20 वर्ष का है और 8 नंबर सिलिंड्रिकल वो पहनता है, तो अब ये बताइए कि इस वक्त अब क्या किया जाए इसके लिए? अगर वो ये पहले पता करना पड़ेगा कि जो उस आंख में जो 8 सिलिंड्रिकल डालते हैं के बाद उसकी बच्चे की उस आंख में क्या नजर ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा अगला स्टेप होगा वो उससे रिलेटेड होगा कि वो कुछ हद तक अगर स्क्विंट है कई, क्योंकि अगर बचपन में स्क्विंट हो और वो करेक्ट ना करा जाए तो उस आंख की नजर जिंदगी भर के लिए कम रह जाती जी। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर स्क्विंट है और अगर उसको उन्होंने 8 का सिलेंडर लगा रहे हैं, 20 साल के हो गए हैं, और अगर नजर ठीक बैठती है फिर तो हमें जरूर कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए, चाहे कॉन्टेक्ट लेंस हो या ICL हो, ऐसी चीज कर सकते हैं। पर अगर नजर ठीक नहीं बैठ रही है फिर ज्यादा हम उस हिसाब से नजर बढ़ाने का ज्यादा उपचार नहीं रहता जी। डॉक्टर सुदर्शन, सर्जरी की अगर बात करें, रिफ्रेक्टिव सर्जरी की, जाहिर तौर पर जब पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे तो बहुत उम्मीदें होती हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पावर नहीं बढ़ेगी। एक तो काउंसलिंग के बारे में आप बताइए कि कितना जरूरी होता है पेशेंट को ये समझाना कि ये सर्जरी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि रिफ्रैक्टिव सर्जरी आई थिंक उनको लगता है कि जादू की छड़ी है, आपने घुमाया चश्मा निकल गया, किंतु ये नहीं सोचते कि हम जो कॉर्निया है आँख का उसको हम थिन कर रहे हैं या उसको हम पतला कर रहे हैं ताकि हम उसके अंदर पावर इम्पार्ट कर सकें। अब होता क्या है कि अब जब ऊपर से फ्लैप उठाते हैं तो एक तो इस पेशेंट्स में ड्राई आई की चांसेस हो जाती हैं, स्पेशली लेडीज़ में, वैसे भी 40-45 के बाद हार्मोनल चेंजेस से ड्राई आई होती है, स्पेशली आफ्टर लैसिक द चांसेस आर वेरी हाई दैट ड्राई आई हो सकती हैं। एक दूसरा, कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाता है, और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सर्जरी सबके लिए सेफ नहीं है। अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस कम है, 500 माइक्रोन से कम है, और या कॉर्निया में कर्वेचर बहुत ज़्यादा चेंज है, या केराटोकोनस है, या उसमें कॉर्निया के ऊपर डिफरेंट तरह के उभार चढ़ाव आ रहे हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं हो सकते नॉर्मल चश्मे से, तो इन केसेस में भी रिफ्रैक्टिव एरर में लैसिक की सर्जरी करना बहुत रिस्की होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहले आँख का प्रोफाइल देखें, अगर आँख के पर्दे के ऊपर छेद हो या रेटिना डिटैचमेंट होने की चांसेस हैं इस पेशेंट में तो पहले उसका इलाज किया जाए। कॉर्निया की सर्जरी के लिए पहले पूरी आँख को जांच करना है, उसमें कोई और डिजीज है या नहीं उसको देखना है, उसके बाद ही रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए जाना चाहिए हमें। और ये काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमूमन देखा यह गया है कि शादी के जोर से या प्रोफेशनल जोर से लोग लैसिक कराने आते हैं, किंतु विदाउट रियलाइजिंग के बाद की इम्प्लीकेशन क्या है उसकी। सो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फोरम टू टेल दिस मैसेज टू पीपल कि इसमें रिस्क होती है, हर सर्जरी में रिस्क होती है, कहना कि बिना रिस्क के सर्जरी है वो बिल्कुल गलत बात है, रिस्क हर सर्जरी में होती है, ये बात और है कि बहुत कम और रिस्क होती है, पर रिस्क ये कहना कि नहीं है गलत है, और सोच समझ के ही सर्जरी करानी चाहिए जी। और फिलहाल भोपाल से दुर्गेश जी हैं फोन लाइन पर। दुर्गेश जी, आपका स्वागत, क्या है आपकी समस्या? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर पर जब भी काम करने के लिए बैठता हूँ जी तो मेरे आंखों में जलन टाइप में लगता, दर्द देता है, ज्यादातर यानी काम नहीं कर पाता हूँ बैठ के,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर से, क्या ऐसा कुछ खाए हैं कि आँख ठीक रहे हैं कि, और चेकअप कब कराना है, क्या नंबर आ गए? जी जी दुर्गेश जी, खान पान के बारे में तो विशेषज्ञों ने बताया है, डॉक्टर अमित ये बहुत लॉन्ग सिटिंग करते हैं कंप्यूटर के सामने, तो क्या ये कर सकते हैं प्रिकॉशनरी? जैसे पहले बताया कंप्यूटर पे जब आप बैठते हैं तो आप ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, तो आपके आंसू बनने कम हो जाते हैं, तो आर्टिफिशियल टीयर्स लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स लेने पड़ेंगे उन्हें, और हर 50 मिनट के बाद वो बाहर निकल के ब्लिंक कर लें और ब्लिंकिंग और दूर देखें, तो थोड़ा सा स्ट्रेन कम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि बहुत से लोग कंप्यूटर में एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठे हैं, जो एयर कंडीशन क्लोज्ड एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी कम होने से आपके आंसू जल्दी सूख जाते हैं। थर्ड, अगर आप स्मोकर हैं और स्मोक में बैठे हैं तो फिर आपका और आंसू जल्दी सूखेंगे। खाने पीने से टीयर प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके एनवायरनमेंट से, ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर डिह्यूमिडिफाइड है, एयर कंडीशनर है, तो आपको डिस्कम्फर्ट जल्दी आएगा। जी डॉक्टर अमित, आपने चर्चा में एक बात कही थी कि बच्चों के लिए ग्लासेस अगर दिए जाए, चश्मा दिया जाए, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि नंबर बार बार बदल रहा है या स्टेबल नहीं है। बच्चों के साथ अगर स्पोर्ट्स की बात करें या दूसरे एक्टिविटीज की बात करें, क्या दिक्कतें आपको प्रैक्टिकली लगती हैं जो बच्चे को हो सकती हैं अगर वो ग्लासेस पहनता है, और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? नॉर्मली बच्चों में हम कॉन्टैक्ट लेंस नहीं देते, कॉन्टैक्ट लेंस में हाइजीनिक प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका, बट अगर कोई स्पोर्ट्स कॉन्टैक्ट सपोर्ट्स खेलता है बच्चा, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। जैसे फुटबॉल में हेडर मारने पर और सब गेम्स में आप चश्मा पहन सकते हैं। प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक लेंसेज अगर टूटे भी तो आपको चोट ना लगे। स्विमिंग भी करते हैं बच्चे, तो स्विमिंग में भी जाहिर तौर पर, हाँ, स्विमिंग में ग्लासेस पहन के स्विमिंग करना मुश्किल है। आजकल जो गॉगल्स आती हैं उसमें भी पावर मिल जाता है, तो आप पावर गॉगल्स पहन सकते हैं स्विमिंग के लिए, पर चश्मा पहन के स्विमिंग, वो फॉग हो जाएगा, दिखेगा नहीं। जी जी।